आप सभी लोगों का आपके चैनल O2 एजुकेशनल सर्विसेज में स्वागत है। आइए आज हम लोग बेंजीन का नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। बेंजीन का नॉमेनक्लेचर आज इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब हम इसका गिवन फार्मूले के तहत जब इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो कुछ और आता है, लेकिन इसका जो आयुपिक नॉमेनक्लेचर है वह बेंजीन ही है। तो आखिर वो कैसे है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो फार्मूला है इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से नॉमेनक्लेचर किया जाता है, कि चाहे वो साइक्लिक हो या बाईसाइक्लिक हो या स्पाइरो हो, किसी भी तरीके का कंपाउंड अगर दिया है तो हम सबको जो है एक ही फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बेटा लगाते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट, क्या बेंजीन में कोई सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ? नहीं, तो ये हमारे काम का नहीं है। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब होता है कि ये साइक्लो है कि बाईसाइक्लो है कि स्पाइरो है, ठीक है। जो कुछ भी है आप यहाँ से उठा लीजिए। तो यहाँ पे हमें मिल गया साइक्लो है, तो चलिए प्राइमरी प्रीफिक्स है यहाँ पे। वर्ड रूट क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बेटा कितने हैं इसमें? 6, तो चलिए ये भी मिल गया वर्ड रूट। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बताता है, ठीक है ना। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी दिखानी होती है, हालांकि सिंगल बॉन्ड की पोजीशन नहीं दिखानी पड़ती है। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो आपका फंक्शनल ग्रुप है, और बेंजीन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप इस समय नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो बेंजीन का नॉमेनक्लेचर निकल के आया उसमें प्राइमरी प्रीफिक्स है, वर्ड रूट है, देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स है, वर्ड रूट है और प्राइमरी सफिक्स है, बाकी तो नहीं मिले हमको, ठीक है। तो चलिए बेटा, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? साइक्लिक है तो साइक्लो लगाते हैं, ठीक है, साइक्लो, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट कितना है इसमें? 6 कार्बन है, तो कितना हो जाएगा? हेक्स, ठीक है। और याद रखिएगा, जब भी एक से अधिक डबल बॉन्ड आ जाए तो उसमें ए जोड़ देते हैं, यानी हेक्सेन नहीं लिखेंगे इसको, हेक्सा लिखेंगे। ब्यूटेन नहीं, अगर 4 कार्बन होता तो ब्यूटेन नहीं लिखते, बल्कि क्या लिखते? ब्यूटा, ठीक है ना। 5 होता तो क्या लिखते? पेंटा। तो ए जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो गया? साइक्लो हेक्सा, ठीक है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया साइक्लो, वर्ड रूट हो गया हेक्सा। हेक्सा क्यों लगाए? क्योंकि एक से अधिक डबल बॉन्ड है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा बेटा यहाँ पे? प्राइमरी प्रीफिक्स कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड है, तो इनकी पोजीशन के साथ लगानी होगी। तो हेक्सा 1, 3, 5, देखिए कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2 यहाँ से करना चाहिए था। ये जो है आप ऐसे कीजिए, नंबरिंग जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1 पोजीशन पे मिल गया, फिर 3 पे, फिर 5 पे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था 1, 3, 5 और उसके बाद ट्राई इन, ठीक है। साइक्लोहेक्सा 1, 3, 5 ट्राई इन, ये बेंजीन का जो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला है वो ये नाम है। लेकिन बच्चों ये क्या है? गलत है, ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि साइक्लोहेक्सा 1, 3, 5 ट्राइन जो है यह ऐसा दिखा रहा है कि जो कंपाउंड हमारे पास है वो क्या है? एल्कीन का दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन क्या ये एल्कीन है क्या? बताइए, क्या इसके बीच का जो 1, 2 के बीच का डिस्टेंस है और 1, 6 के, देखिए जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा बड़ा होता है, और जो डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड से छोटा होगा, और जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड से छोटा होगा। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा होता है, बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होती है? सिंगल बॉन्ड की। और सबसे कम किसकी होती है? ट्रिपल बॉन्ड की। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि 1, 2 के बीच का जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये छोटा होगा, और 1, 6 या 4, 5 या 2, 3 के बीच का जो बॉन्ड है वो सिंगल है तो बड़ा होगा। लेकिन आप लोग जानते हैं इसको अच्छे से कि ऐसा नहीं है,
बल्कि सारे बॉन्ड क्या हो गए, बराबर हो गए, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो नाम है, इस नाम से ऐसा बोध हो रहा है, ऐसा नॉलेज हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये एल्कीन है। हालांकि नहीं है ये, क्योंकि एल्कीन होता तो डबल बॉन्ड छोटा होता, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है एरोमेटिक है, तो इसीलिए साइंटिस्ट ने जो है इसमें इसका नाम रखा बेंजीन, ठीक है ना। यानी आयुपेक ने सुझा दिया, आयुपेक के अंदर जो साइंटिस्ट बैठे हैं उन लोगों ने कहा कि देखिए इसको हम बेंजीन ही कहेंगे। तो बच्चों इसीलिए इसका जो नाम है वो बेंजीन ही है। तो आप कभी भी साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो कभी भी इसे मार्क नहीं करेंगे आप, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेंजीन डेरिवेटिव्स का भी किस तरीके से नॉमिनक्लेचर करते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। देखिए अगर बेंजीन, ये एक एक चीज़ें जो बता रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ध्यान से सुनिए आप। देखिए अगर बेंजीन से डायरेक्ट कोई एटम या ग्रुप जुड़ा है, अगर बेंजीन से डायरेक्ट कोई एटम या ग्रुप जुड़ा है, तो जैसे मान लीजिए ये हमने जी मान लिया, और जी क्या हो सकता है, जी जो है कोई सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है या कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। जी जो है कोई सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है या फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो जब सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसकी नॉमिनक्लेचर अलग तरीके से की जाएगी, और अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया, यहाँ पे अगर बेंजीन से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ गया, तो इसके लिए हम स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं, स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं। स्पेशल क्यों, क्योंकि वो मैं आज बताने वाला हूँ कि वो स्पेशल क्या है, है ना, उसको देखते हैं आज। और इसके साथ ही सब्स्टिट्यूएंट अगर होगा तो कैसे होगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। आइए जैसे इसका नॉमिनक्लेचर करना है, देखिए यहाँ पे हमने CH3, इसका कॉमन नेम बच्चों टॉलविन, आप भी जानते हैं। तो देखिए आप जो है सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये CH3 है, और CH3 कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, CH3 कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो CH3 जब फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये क्या हो गया हमारे पास, सब्स्टिट्यूएंट हो गया ये, ठीक है ना, ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या हो जाएगा, CH3 का क्या होगा, मिथाइल, क्या हो जाएगा, मिथाइल। देखिए ये हो गया आपका मिथाइल, मिथाइल, और ये हो गया आपका आयुपेक नेम बेंजीन। तो इसका बेटा आयुपेक नेम क्या हो गया, कंप्लीट मिथाइल बेंजीन, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, राइट, तो सबसे पहले आप बेंजीन का नाम लेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी प्रीफिक्स से बाद में आएगा। तो देखिएगा इसका होगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो चलिए यहाँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो बल्ले बल्ले है। देखिए अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए या इस्टर आ जाए, या इस्टर आ जाए, ठीक है ना, यहाँ बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए या इस्टर आ जाए या एसिड हैलाइड आ जाए या एसिड एमाइड आ जाए, ठीक है, या एल्डिहाइड आ जाए या साइनाइड आ जाए, ठीक है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यही सिर्फ 6 आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इन्हें हम, ये सारे जो फंक्शन ग्रुप हैं इसे हम बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। और जब भी चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होंगे तो इनके लिए हम स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स लाते हैं, ठीक है। चेन टर्मिनेटिंग का मतलब जहाँ ये लग जाते हैं वहीं
चेन, कार्बन चेन ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। यानी जहाँ ये खड़े हो जाएंगे वहीं पे लाइन क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर बेटा देखो यहाँ पे इस्टर आ गया तो हम यहाँ लिखेंगे कार्बोक्सिलेट, क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट। ये स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए अगर सी ओ एक्स है तो इसको लिखेंगे कार्बोनिल हैलाइड, क्या लिखेंगे, कार्बोनिल हैलाइड। अगर क्लोरीन होगा तो क्या लिख देंगे, कार्बोनिल क्लोराइड लिख देंगे। उसके बाद अगर एमाइड हुआ तो इसे लिखते हैं कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, है ना। एल्डिहाइड होगा तो क्या लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, ठीक है। और अगर साइनाइड होगा तो क्या आएगा, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। ये चेन टर्मिनेटिंग सी टी जी ग्रुप है ना, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। तो ये जहाँ भी आ जाते हैं वहाँ पर हम स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। अब एक एक का एप्लीकेशन करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए बेटा आ जाए यहाँ पे बेंजीन लगा है, बेंजीन है और यहाँ पे आ गया साइनाइड, ठीक है, सी एन हमने जोड़ दिया। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये स्पेशल सी एन है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो हम क्या लगाने वाले हैं, सेकेंडरी सफिक्स लगाने वाले हैं, स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स। तो ये हो गया बेटा बेंजीन, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है ना। साइनाइड है तो क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल। तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल इसका जो है आयोपेक नॉमिनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ देख लूँ सी डबल बॉन्ड ओ सी सी एस थ्री, ठीक है, तो ये इस्टर लगा हुआ है तो क्या लग जाएगा, बेंजीन, बेंजीन। लेकिन हम जानते हैं इस्टर में ये वाला क्या लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिथाइल, मिथाइल बेंजीन। और देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इस्टर होता है तो क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलेट। तो क्या हो गया बेटा, मिथाइल बेंजीन और कार्बोक्सिलेट, ठीक है, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, राइट। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आ जाए बेंजीन ले लेते हैं और यहाँ पे जोड़ देते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका, इसकी वजह से क्या हो गया, बेंजीन, बेंजीन और एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, कार्बल्डिहाइड। देखिए यहाँ पे लिखा मैंने कार्बल्डिहाइड, तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ठीक है ना, राइट। तो इस तरीके से आप नॉमिनक्लेचर कर सकते हैं, तो ये नोट कर लीजिए। और इसका जो मैंने एप्लीकेशन कराया है उसको देख लीजिए आप। एक और यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे सी ओ एन एस टू लग जाए तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, कार्बोक्सामाइड, है ना। जैसे यहीं पे इसी ग्रुप के जगह पे हम अगर यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ एन एस टू लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, राइट, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, ठीक है। और अगर यहाँ पे अब कोई छूटा तो नहीं ना, जिसका एप्लीकेशन नहीं हुआ, नहीं सबका हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ये होगा, तो R जो भी होगा एल्काइल कर दीजिएगा, एल्काइल ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो एल्काइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोनिल हैलाइड, है ना, इसमें क्या आ जाएगा, कार्बोनिल हैलाइड। तो जो भी होगा उसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। लेकिन बच्चों इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बेंजीन से डायरेक्ट अगर ये ग्रुप जुड़े हों तभी करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, सिर्फ बेंजीन से ही नहीं, एक बात और बता दूँ, सिर्फ बेंजीन से ही नहीं, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो भी, जैसे मान लीजिए कोई साइक्लिक कंपाउंड से भी अगर ये ग्रुप लगे हों तो भी हम इसी तरीके का हरकत इनके साथ भी करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये है हमारा, यहाँ बेंजीन नहीं, बेंजीन को हटाए थे और यहाँ पे आ गया बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, यहाँ लगा दिए तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन और उसके बाद क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसी में अगर हमने साइनाइड लगा दिया तो क्या हो जाएगा, इसको हटा दें, बेंजीन नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है ना। तो सी एन के लिए क्या लगाएंगे, कार्बोनाइट्राइल, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। उसी तरीके से बेंजीन, ओह सॉरी, बार बार बेंजीन ही आ रहा है ना, बेंजीन ज़्यादा पड़ लिया ना, इसीलिए सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, तो ये हो गया हमारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो चाहे बेंजीन हो या साइक्लिक रिंग हो, कोई भी साइक्लिक रिंग हो, और ये छः है ना, ये सिक्सर ग्रुप अगर आ जाए, सिक्सर ग्रुप में कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, कार्बोनिल हैलाइड, और उसके बाद एमाइड और एल्डिहाइड और साइनाइड, अगर ये छह लग जाएं किसी बेंजीन से या किसी साइक्लिक कंपाउंड से, तो आप उसका नॉमेनक्लेचर स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स लगा के करते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि वो साइक्लिक से या बेंजीन से डायरेक्ट अटैचमेंट होगा, तो ही इस तरीके की हरकत हम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए ये रहा बेटा बेंजीन, ठीक है, और यहाँ पे CH2 हो गया, और यहाँ पे हो गया साइनाइड, ठीक है ना, साइनाइड हो गया, या कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, कोई बात नहीं, चाहे साइनाइड ले लेते हैं अगले एग्जांपल में, ये है। अब हम स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगाएंगे, है ना, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए नॉमेनक्लेचर होगा। अब आइए इसके बाद देखते हैं, इसका बेंजीन और फंक्शनल ग्रुप के बीच में कोई कार्बन आ जाए, है ना, जब भी बेंजीन और फंक्शनल ग्रुप, ये सारे फंक्शनल ग्रुप या इसके अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ठीक है, तो अगर एक एक कार्बन आ जाए या एक से अधिक कार्बन आ जाए, तो फिर बेंजीन को एज ए क्या, फट सब्स्टिट्यूएंट, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर लेते हैं। और बेंजीन को जब सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे मानते हैं, तो क्या नाम देते हैं इसको, फिनाइल, तो क्या हो जाएगा बेटा, टू फिनाइल और 1 2 कितने हैं कार्बन, 2, तो इथेनोइक एसिड, ठीक है ना, तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर, ठीक है। उसी तरीके से अगर बेंजीन है यहाँ पे और यहाँ पे CH2CH3 आ गया, तो CH2CH3 कोई फंक्शन ग्रुप थोड़ी है फंक्शन ग्रुप नहीं, तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 6 कार्बन है, तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे, फंक्शन ग्रुप नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो सब्स्टिट्यूएंट में क्या आ जाएगा, इथाइल और क्या हो गया, बेंजीन, ये इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। तो बेंजीन और फंक्शन ग्रुप के बीच में, ध्यान से सुनिए, बेंजीन और फंक्शन ग्रुप के ठीक बीच में अगर एक से अधिक कार्बन आ जाए, तो अब आप बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे मान लेंगे, अगर फंक्शन ग्रुप है तो, और नहीं सब्स्टिट्यूएंट है तो, अगर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है यानी फंक्शन ग्रुप नहीं आ रहा है, तो फिर आप इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हो गया और बेंजीन जो आपका पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगा, ठीक है ना, और पैरेंट कार्बन चेन के साथ बेंजीन को बेंजीन ही लिखा जाता है ना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो मेरे चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बस।